एम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमरोहा से है। किसान विरोधी कृषि अध्यादेश पर नहीं थम रहा उबाल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विधानसभा नौगांवा सादात से किसान विरोधी बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत दी गिरफ्तारी। आपको बता दें कि जनपद अमरोहा की नौगांवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मौलाना जावेद आब्दी ने किसान विरोधी बिल के विरोध में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दे दी है। इस दौरान नौगांवा विधानसभा में समाजवादी का तांता लगता दिखाई दिया, साथ ही पूरा नौगांवा सादात जय समाजवाद जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता दिखाई दिया। मौलाना जावेद आब्दी ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए सीधा निशाना साधा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के सामने सपा से नौगांवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंद्र सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, आज जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, किन मांगों को लेकर कर रहे थे आप? ऐसा जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आज तक आजाद हिंदुस्तान में इतनी आत्महत्या किसानों ने कभी नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ये ऐसी सरकार है कि भूख नहीं लग रही मगर खाना खिला रहे हैं, प्यास नहीं लग रही मगर पानी पिला रहे हैं। किस किसान ने इनसे डिमांड की थी कि ये तीन आप बिल लेकर आए? अगर आप इन तीन बिलों को देखें तो एक बिल तो यह है कि कोई भी आदमी भारत का अनाज को किसानों के जरिए जो बोया गया अनाज है और उत्पाद किया हुआ अनाज है उसको स्टोर कर सकता है। तो जब कोई भी आदमी स्टोर करेगा तो जाहिर है कि मैंने 20 रुपए किलो धान लूंगा तो 50 रुपए किलो बेचूंगा, वो पूरे किसानों पे नहीं, किसानों का तो हम छीनेगा लेकिन जनता भी महंगाई के बोझ में इतने दब जाएगी कि किसानों से भी ज्यादा खुदकुशी करेगी। इसलिए हम बहरी और गूंगी और अंधी सरकार को जगाने के लिए इस सड़क पर आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पूरा का पूरा देश सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के हर आदमी को सड़क पर ले आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी सूरत से जाग जाए ताकि हमारी जनता के अच्छे दिन आ जाएं। ठीक।